बटाला के सरहदी हलका डेरा बाबा नानक में हिंद पाक सरहद के नजदीक बनने जा रहे करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते की रुकावटें हटने का नाम नहीं ले रही हैं। करतारपुर कॉरिडोर को बनाने के लिए जिन किसानों की जमीन सरकार ने एक्वायर की थी, उन किसानों ने करतारपुर कॉरिडोर के चल रहे काम को रुकवा दिया और रास्ते में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना था कि सरकार और प्रशासन ने पहले कहा था कि जमीन एक्वायर करने के बाद पहले किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, फिर काम शुरू किया जाएगा, लेकिन अब किसानों का आरोप है कि सरकार ने मुआवजा दिए बिना ही जमीनों पर करतारपुर कॉरिडोर को काम शुरू करवा दिया, जिसके बावजूद किसानों ने कोई रुकावट नहीं डाली। लेकिन अब सरकार और प्रशासन किसानों को मुआवजे की रकम में से 10% TDS काटने की बात कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पहले ही कम मुआवजा दिया जा रहा था और ऊपर से उस रकम में से TDS काट लिया जाएगा तो किसानों के पास बचेगा क्या। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी वह धरना प्रदर्शन करेंगे। पर साढ़े कहे बने इन्होंने गल लाई तो इन्होंने विश्वास किया भी ठीक है भी साढ़ा पार्ट इन्हें साढ़े वास्ते कुछ नहीं होगा अं हार के जड़े छक उतरे हैं। यह धरना किन्नी देर चलेगा ढा जिन्हें जिन्हें साढ़ा फैसला नहीं होंगे सानू लिखती रूप च नहीं देंगे सानू चक नहीं देंगे उन्हें वो जोड़ा TDS जोड़ा वा जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अंडर कटिया जाता वा तो उन्हों की मांग है कि TDS जोड़ा वा उन्होंने कंपनसेशन अमाउंट ना कटे जाए जिसके बारे इन्होंने असं इनकम टैक्स एक्ट ददायतों बारे जानकारी दी है तो जहाँ साकारी अकाउंटेंट है वो भी गलबात करवाई है तो सा कोशिश हैगी है कंपनसेशन डिस्बर्स जल्दी करके जरा एज पर रूल देखो TDS कटना अभी ड्यूटी बाउंड है विदाउट TDS डिडक्शन जी अभी पेमेंट जी नहीं कर सकते लॉ ए बारे काफ़ी क्लीयर है तुम नहीं लगता कम टक दे नहीं असं हमें अपील करके आए हैं कि अपनी पेमेंट्स जो ऑफिस आके कलैक्ट कर लेने जे बाई चांस नहीं कलैक्ट करते काम रोकते हैं तो फिर प्रशासन का अगला की एक्शन होगा।